वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। आज जो है आपका लेक्चर नंबर 15 है मैथमेटिक्स सेकंड, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में लेक्चर नंबर 15, जो कि सम स्पेशल इंटीग्रल यानी कि कुछ विशिष्ट समाकलन के नाम से जाना जाता है, चैप्टर 5 उसका यह लेक्चर है। और इसमें मैंने होमवर्क दे रखा था इंटीग्रेशन 1/√16 − 4x2 dx, तो इसको किस तरह से सॉल्व किए हैं जरा देखिए। हम इसको सॉल्व करके बता रहे हैं और आप जो है इसे मिला सकते हैं कि क्या आपका होमवर्क है और वह सही है कि कहीं मिस्टेक हुआ है तो उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए 1/√16 − 4x2 dx इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन 1/4 आप कॉमन कर सकते हैं इसमें, तो 4 कॉमन हो जाएगा और ये बचेगा 4 − x2 dx। ठीक है, 4 स्क्वायर रूट से बाहर होगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/√2 स्क्वायर, यानी कि 4 − x2 dx होगा, यानी कि 4 कैन बी रिटन एज ए 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आप देखो 4 यहाँ बाहर लिया तो स्क्वायर रूट था, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 को आपने बाहर कर लिया तो 1/2 के रूप में वो बाहर हो गया। अब यहाँ पर इसकी स्क्वायरिंग करेंगे इसको और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 एंड इंटीग्रेशन 1/√2 − x2 dx। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 1/2 एज इट इज होगा, 1/2 एज इट इज रहेगा और यहाँ पर जो है इसका इंटीग्रेशन आप a² − x² देखो तो साइन इनवर्स यानी कि 1/√a² − x² साइन इनवर्स x/a + c होगा, तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो साइन इनवर्स x/2 a की जगह क्या है 2 + c, यह आपका आंसर होगा। और छोटा सा क्वेश्चन है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व किए होंगे आई होप और आपका आंसर भी यही आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कई प्रकार के सम स्पेशल इंटीग्रल इसी के वजह से जाना जाता है, क्योंकि कई प्रकार के इसमें क्वेश्चन जो है कई अलग अलग फार्मूलों के बेस पर दिए हुए हैं और आपको उन्हीं के अनुसार इसे लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट तरीका मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करने का।